पूर्णिया के जूट पार्क में लगी भीषण आग, आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। वहीं मौके पर देर से पहुंची दमकल की गाड़ी। तेजस्वी यादव का ऐलान, 30 जनवरी को कृषि कानून और बेरोजगारी के खिलाफ बनाएंगे मानव श्रृंखला, सरकार के खिलाफ करेंगे विरोध प्रदर्शन। इस दौरान तेजस्वी ने लोगों से की अपील, का इस श्रृंखला में बढ़ चढ़ कर लें हिस्सा। बिहार में आरजेडी कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, लालू यादव के करीबी रहे पूर्व सांसद समेत कई नेता बीजेपी में हुए शामिल। इस दौरान बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल समेत पार्टी के अन्य नेता रहे मौजूद। रांची के हरमू स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस दौरान उन्होंने गठबंधन सरकार पर निशाना साधा। जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, सत्ता के इशारे पर उस ऑपरेटिव जमीन की जो ली हुई जमीन थी जिसकी उस पर अवैध कब्जा करने का काम। रांची रिम्स से दिल्ली एम्स में शिफ्ट किए गए लालू यादव की तबीयत में हुआ सुधार। पलमोरी एडिमा से पीड़ित हैं आरजेडी सुप्रीमो, एम्स के प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट कर रहे लालू का इलाज। राजधानी दिल्ली के लाल किला में हुई हिंसा को लेकर लोजपा का विरोध प्रदर्शन। आंदोलनकारियों के खिलाफ लोजपा ने केंद्र सरकार से की मांग, कहा आंदोलनकारियों के सुरक्षा कानून के तहत सीबीआई और आईबी से करवाएं जांच। रांची पहुंचे भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य। इस दौरान रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर ढोल बजाकर अध्यक्ष का हुआ जोरदार स्वागत। 5 वर्षों मध्य प्रदेश 10 वर्ष हमारी सरकार रही, लेकिन आम जनता में किसी भी प्रकार का ये देखने को नहीं मिला कि किसी पर कोई आक्रमण हुआ हो, कोई अत्याचार हुआ हो। लेकिन एक साल के भीतर ये जो सरकार है, एससी एसटी और आम जनता की विरोधी सरकार बनी बैठी है। कैबिनेट विस्तार को लेकर जेडीयू और बीजेपी में नहीं बन पा रही है सहमति। नई सरकार के गठन होने के 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक नहीं हुआ कैबिनेट का विस्तार। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को पद्म भूषण दिए जाने पर चिराग हुए भावुक, कहा भारत सरकार ने उनके 51 साल के बेदाग राजनीतिक जीवन को पद्म भूषण पुरस्कार से किया सम्मानित। इस मौके पर चिराग ने राष्ट्रपति और पीएम को कहा शुक्रिया। पटना के गर्दनीबाग में जारी है शिक्षकों अभ्यर्थियों का हड़ताल, नियुक्ति की मांग पर अड़े रहे शिक्षक। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं की जा रही है नियुक्तियां। मुजफ्फरपुर में वेब सीरीज तांडव के खिलाफ फिर हुआ प्रदर्शन, अभिनेता सैफ अली खान का पुतला फूंका। नालंदा में बिहार के पूर्व मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार शरीफ प्रखंड के मुरौरा पंचायत के पंचायत सरकार भवन का किया उद्घाटन। इस दौरान कई लोग रहे मौजूद। कि समय से पूर्व ही इस तरह के भवन का निर्माण करा करके जनता के सुविधा के लिए, जनता के कार्यों के लिए उनको समर्पित किया जाता है। मुजफ्फरपुर में इंटर और मैट्रिक परीक्षा की तिथियों को बढ़ाने की मांग को लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। लातेहार जिला के बरवाड़ी प्रखंड में छिपा दोहर थाना और आरआरबी के संयुक्त से छिपा दोहर गांधी मैदान में क्रिकेट टूर्नामेंट का किया गया आयोजन। इस दौरान मौके पर मुख्य अतिथि छिपा दोहर थाना प्रभारी रहे मौजूद। लातेहार में वन विभाग को मिली बड़ी सफलता, 2 शिकारी नीलगाय के खाल, मांस और हथियार के साथ हुए गिरफ्तार। सरायकेला में पत्नी से अवैध संबंध रखने वाले प्रेमी की हत्या करने वाला पति गिरफ्तार। हत्यारे पति ने अपने भतीजे और सहयोगियों के साथ मिलकर दिया था घटना को अंजाम। बेटा में अवैध बालू खनन को लेकर खनन विभाग ने की बड़ी कार्रवाई, मौके से 3 पोकलेन जब्त, वहीं 1 ड्राइवर हुआ गिरफ्तार। लगातार बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं को देखते हुए जमुई जिले के सभी प्रखंडों और चेक पोस्टों पर एसपी के दिशा निर्देश पर चलाया गया सघन चेकिंग अभियान। इस दौरान बिना हेलमेट के वाहन चला रहे लोगों से वसूला गया जुर्माना। सरायकेला खरसावा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान के दौरान नक्सली को किया गिरफ्तार। लातेहार में उत्पाद विभाग और पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चंदवा थाना क्षेत्र के लादोप स्थित एक ईट भट्टी में छुपा कर रखी गई 125 से ज्यादा पेटी शराब को किया बरामद।